उज्जैन के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक आयोजित हुई। यहां पर उज्जैन जिले के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे और महत्वपूर्ण बैठक में राज्य सरकार केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ आम नागरिक को धरातल पर मिले उसको लेकर चर्चा हुई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोर मुंडला, प्रदेश प्रवक्ता सनबर पटेल, अध्यक्ष गब्बर पटेल सहित तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमारे जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री बहादुर सिंह जी गोरमंडला, हमारे प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता श्री सनबर पटेल साहब और हमारे जिले के अध्यक्ष भाई गब्बर पटेल साहब और हमारे जितने भी मंदिर हुए जो नए अध्यक्ष और जिले के पदाधिकारी सभी उपस्थित हुए और हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और हमारे प्रदेश के नेताओं ने उनको अच्छा संबोधित करके उनको कैसे काम करना है, अपने संगठन को कैसे मजबूत करना है उसका मार्गदर्शन दिया। और ये कार्यक्रम उसी परिप्रेक्ष्य में रखा गया था कि जो जिम्मेदारी नए कार्यकर्ताओं को दी गई है, नए पदाधिकारियों को दी गई है, उस दायित्व को वो कैसे अपने दायित्व को समझें और कैसे समाज के अंदर जाके उसका अपने संगठन की नींव। सम्मान समारोह था, स्वागत समारोह रखा गया था, उसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष बहादुर सिंह बोर मुंडला जी, सम्मानीय प्रदेश के प्रवक्ता सनबर पटेल साहब, जिले के सरपंच शहनवाज भाई उपस्थित थे, सभी प्रवक्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।